अगर आप लोग ने भी कैसी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत से लेकर एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है या होंगी तो उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहां पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारी कंटेंट देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर ले कैशी एप्लीकेशन के बारे, तो ये कैशी जो एप्लीकेशन है वो आपको एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, जहां पे आपको ये आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलती है और ये आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। तो अनसिक्योर्ड लोन वो होती है जैसे कि पर्सनल लोन, हेल्थ लोन, ये सब लोन होती है। तो ये आप लोग को ये एप्स आपको ये कंपनियां आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती हैं। तो इस केस में आपके साथ ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है वो मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद जो बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। बस ये ज्यादा से ज्यादा आपका सिविल खराब करेंगी, उससे ज्यादा आप पे कुछ नहीं करने वाली है ये। उसके बाद मैं बता दूं ये सिविल खराब करेंगे, सिविल जो खराब होगा उसके कारण आपका जो आप जो फ्यूचर में आप कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे सिविल खराब होने के कारण, क्योंकि आप यहाँ पे डिफॉल्टर बन जाएंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, अगर आपको डिफॉल्टर नहीं बनना तो आप रिपेमेंट कर दीजिए। अगर ये वीडियो को आप लोगों ने क्लिक किया मतलब आप जेन्यून कोई कारण के वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण के वजह से आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आपका कोई प्रॉब्लम है तभी आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर कहने का मतलब अगर आपको जरूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं, हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर निकालेंगे जिसमें आपके जो सॉल्यूशन है वो लाइव सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों को निकाल के देंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, सबसे पहले अगर आप लोगों ने ड्यू डेट चुका मतलब ड्यू डेट आपका निकल गया तो आपको ये कंपनियां कॉल करना स्टार्ट करेंगी, कॉल करके आपको परेशान करेंगी, धमकियां देंगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, जब भी आपको ये कॉल करे तो आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए और आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आपको उनसे वक्त मांगना है और कुछ नहीं बोलना है, आपको उनसे वक्त मांगना है। क्योंकि आपको जेन्यून आपके पास कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या मांगना है, वक्त मांगना है। तो वक्त मांगना है उनसे, वक्त मांगिएगा और उनका रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अगर वो कंपनी आपको वक्त दे देती है तो आप उसको अच्छी बात है, अगर नहीं देती है तो उस केस में आपको क्या करना है उसको बता देना कि मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और उसके बाद आपको कॉल कट कर देना। उसके बाद भी अगर ये कंपनी कॉल कर रही है तो आपको कॉल उठाना नहीं है, आपको कॉल अगर उठा लेते हैं तो म्यूट करके छोड़ दीजिए, नहीं उठा सकते हैं तो कॉल कट कर दीजिए या छोड़ दीजिए, बजने दीजिए, 5-6 दिन ऐसे ही कॉल करेंगे, उसके बाद कॉल करना आपको ये बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको ये नोटिस भेजना स्टार्ट करेंगे, ये कंपनी आपको नोटिस भेजना स्टार्ट करेंगे। नोटिस भेज करके उसमें लिखा रहेगा कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा या ले लिया गया है। तो आपको इस केस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नोटिस एक फेक नोटिस होती है, एक तरह से समझिए रिमाइंडर नोटिस होती है और कुछ नहीं होती है। आप पे कोई केस किया नहीं जाता है, आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि आपके ऊपर केस किया है बस, और कुछ नहीं होता है। इसका आपको जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे इसका नोटिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको यहाँ पे कोई जवाब नहीं देना है। अब तीसरा बात करें, यहाँ पे आपके घर के जो एड्रेस है उस पर आपको रिकवरी एजेंट भेजेंगे। तो रिकवरी एजेंट का क्या सच्चाई है मैं बता देता हूँ, रिकवरी एजेंट कभी भी आपको कंपनी की तरफ से नहीं होते हैं, ये थर्ड पार्टी एजेंसी होती हैं। ये जो कैशी एप्लीकेशन है वो क्या करेंगी, आपके घर के पास जो भी लोन रिकवरी एजेंसी है उसको आपका डेटा देंगी और वहां से उनको कमीशन देंगी, बोलेंगे कि आप जाकर के उनका पैसा लेके आइए, आपको हम कमीशन देंगे। सिंपल सा ये बात है, जब भी आपके घर रिकवरी एजेंट है तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। मैं हमेशा आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है, हर वीडियो में मैंने आपको बोला है कि रिकवरी एजेंट जब भी आए तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। तो आपके घर जब रिकवरी एजेंट आए तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है, उस केस में आपको
उनसे आईडी कार्ड मांगना है और बोलना है कि आईडी कार्ड वो दिखाने से असक्षम होंगे सीधा से बात, और बोलना है कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, मैं आपके पास मैं कंपनी से वक्त मांगा है, वक्त नहीं मिल रहा है मेरे पास, अगर जब पैसे होंगे मैं आपको रिपेमेंट कर दूंगा। सिंपल सा ये बात बोलना है। अगर वो धमकियां वगैरह दे तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जो आपके पास लाइव रिकॉर्डिंग है वो आपको कमेंट बॉक्स में आके बता देना कि आपके पास लाइव रिकॉर्डिंग है, आपका हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के फॉर्म में ले करके आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधा सा बात ये हुआ तो रिकवरी एजेंट को आपको बोलना है कि मैं अभी रिपेमेंट नहीं कर सकता, आपको सिंपली आपको बोलना है कि आपने आप हमको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मेंटली हरास नहीं कर सकते, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। सीधा आपको ये बोलना, आप केस कर भी सकते हैं, इस केस में आपके पुलिस भी कोर्ट भी आप ही के साथ होगी, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी एजेंट का आप लोगों ने बहुत, मेरे चैनल पे अगर हैं तो आप लोगों ने बहुत वीडियोस देख लिया होगा, तो अगर यहाँ पे रिकवरी एजेंट आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको बोल देना है ये सब बात और वो चले जाएंगे, उसके बाद आपके घर नहीं आएंगे वो दोबारा। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद आपको ये कंपनी फिर से कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे हम कोर्ट पे जा रहे हैं आपका केस कर देंगे। तो आपको क्या बोलना, जाइए केस कर दीजिए। ये केस की क्या सच्चाई है मैं बता देता हूँ। केस कभी भी ये अनसिक्योर्ड लोन में कैश एप्लीकेशन या फिर कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन आप पे केस नहीं करने वाली है, नहीं करने वाली है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो अमाउंट होती है वो ज्यादा नहीं होती है, और ये अनसिक्योर्ड लोन का केस है, ये आपके राइट्स है, ये केस कर सकती है, पर आपको ये केस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि लोन अमाउंट कम है, जान रही है कि अगर कोर्ट में जाएंगे तो 10-15 साल लग जाएगा इसको सॉल्व होने में, और यहाँ पे 10-15 साल बहुत साल होते हैं, और इसमें उनका पैसा भी बहुत सारा लग जाएगा, और उसके बाद उनको क्या मिलने को मिलेगा कि आपके पास कोर्ट भी ये बोलेगी जब इनके पास डिफॉल्टर के पास जब पैसे होंगे तो आप उनसे ले लीजिए, आपको मेंटली हैरास नहीं करना, सिंपली ये बात बोलना है। और आपके पास सारे प्रूफ रहेंगे कि इन्होंने मेंटली हरास किया या वगैरह वगैरह जो भी आपके साथ किया है वो सारे प्रूफ आपके पास रहेंगे, आप अगर जमा करते हैं तो उल्टा उन्हीं के ऊपर केस हो जाएगा, तो सारी ये बात वो लोग जानते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएंगे। और यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से कुछ भी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह के लोन रिगार्डिंग कंटेंट के लिए। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।